कल्बे सलीम वो है जो नीचे से वफा की तरफ, ऊपर से रजा की तरफ, दाएं से इश्क की तरफ, बाएं से आरज़ुओं की तरफ, सामने से मुलाकात की तरफ, पीछे से बका की तरफ इशारा करे। जब तेरा नफ्स तुझसे बचा रहा तो बेशक तूने उसका हक अदा किया, और जब तुझसे मखलूक बची रही तो बेशक तूने उसका हक अदा किया, और यही खौफ खुदा है। मोहब्बत एक ऐसा प्याला है जिसकी बड़क और सोजिश सीनों को तपाए और दिलों में करार पाकर इंसान को दफना फना कर दे। और मोहब्बत एक ऐसी है जो नफूस में जगह पाकर उनको लाशें बना दे, रूहों को उनसे उड़ा दे, अक्लों को मात कर दे और फिक्रों को हैरान कर दे। जब बंदा अपनी हालत दुरुस्त कर लेता है तो खुदा उसे इल्म-ए-दीनी अता करता है। मगरूर वो है जो जवाल पजीर चीज को अपनी जीनत बनाए, जो शख्स दुनिया की तलब में मशगूल हो उसमें लज्जत के साथ मुबतला होता है। वजद एक ऐसा नूर है जो इश्तियाक की आग से रोशन होता है। रह सलूक में अदब व मोहब्बत और तर्क रवानियत एक लाजमी अमर है। इस शय को तुम हासिल नहीं कर सकते उसके लिए परेशान होने से क्या हासिल। इल्म एक ऐसा समंदर है जिसमें किसी हालत में भी कमी वाकया नहीं हो सकती। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं जो कदर दूसरों के काम आ सको बेहतर है। मोहब्बत और उल्फत के आगे पहाड़ भी सरनगू हो जाते हैं, इसलिए मोहब्बत इलाही इख्तियार करो। अच्छे काम की इब्तदा इंतहाई मुश्किल और इंतहा इंतहाई आसान होती है। सोते वक्त मौत को अपने सिरहाने रखो और जागते वक्त अपने सामने। हकीकी रजाक के दिए हुए रिज्क के सामने दुनियावी रिज्क की कोई वक्त नहीं। इश्क लाइलाज मर्द है और मतलूब के सिवा इसका कोई मुआलिज नहीं। जब आप ये देखें कि औरत की असासियत को बढ़ावा मिल रहा है, वो बेचैन है, तो वो मुबाशरत के लिए तैयार होती है, आप उसके पास जा सकते हैं। अगर बुरी नीयत को दिल मत रख कर कोई अच्छा अमल किया जाए तो इसका सवाब भी गारत हो जाने का अंदेशा होता है। दुनिया और इसकी तमाम चमक दमक झूठी फरेब और धोखा है और फना हो जाएगी, जबकि सच्चा इश्क इंसान की बका का ज़ामिन है। इंसान का